एवरीवन स्टूडेंट, देखिए अपन ने कल जो मतलब टेलर थ्योरम जो पिछले लेक्चर के अंदर अपने आधी कर ली थी, मतलब तो मतलब बीच के अंदर मतलब जो कोई मिसिंग मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो पूरा नहीं हो पाया था। तो आज उस थ्योरम को मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अपन पढ़ रहे थे, अपनी यूनिट चल रही है, आपकी यूनिट है यूनिट थर्ड। यूनिट कौन सी है? थर्ड यूनिट, ठीक है। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि जो कल वो थ्योरम नहीं हो पाई थी, अधूरी रह गई थी अपनी, ठीक है। लॉरेंट जो थ्योरम चल रही है अपनी, वो अपनी टेक्निकल वजह से अधूरी रह गई थी, तो आज उसको अपन क्लियर कर लेंगे। तो देखिए लॉरेंट है, लॉरेंट थ्योरम, देखिए इस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या था, दो सहकेंद्रीय वृत्त थे, दो सहकेंद्रीय वृत्त जिनकी दो सहकेंद्रीय वृत्त है जिनके केंद्र कितने होंगे, एक केंद्र है, ठीक है। तो मैं ऐसे कह देता हूँ, जेड नोट से शो कर देता हूँ। तो अपने पास ये पूरा ये सहकेंद्रीय वृत्त है अपने, ठीक है, इसको बोल रहे अपन जेड नोट, जिसकी त्रिज्याएं, तो ये इसकी जो त्रिज्या थी इस वाले की, यहाँ पे जेड नोट कर दिया, इसकी त्रिज्या मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इसकी कितनी है, R1, ये कितनी हो जाती है R2, ठीक है। और इस दोनों के मध्य, यानी दो सहकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र जेड नोट एवं त्रिज्याएं R1 R2, जो R1 > R2 जिनके बीच में के मध्य एक वलयिका इस प्रकार है, जिनके मध्य जिस पर कोई बिंदु जेड पर, इसका क्या निकालना है, विश्लेषिक फलन अपन को निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया था, और ये बिंदु मैंने कहा कि जेड है, जैसे कितना कह दिया था इसको जेड, इस पर इससे मिला दिया मैंने इस वाले से, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये आर हो गया, ये अपन ने लॉरेंट थ्योरम पढ़ रहे थे। तो लगभग मतलब जो अप्रोक्सीमेट है, तो अपन एक्सपेंडेड करने के बाद जो अपन को मोड करने वाली वो थी, तो उस पे थे अपन ने ना कल, तो ये अपने पास आया। तो इसका जो स्टेटमेंट है इस बेस पे है, तो अपन ने कह रखा है कि an तो कितना था, 1/2πi f(j dj) j कितना आ जाएगा, j - j0, यही था, क्लियर। और bn जो आपका है 1/2πi, इसका कितना था n+1, ये कितना f(j dj j0, और ये कितना था -n, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है, +1 आ गया, ये वाला, ये मैंने आपको लिखा दिया था कल, ठीक है ना, ये वाला क्लियर है ना, ये लिखवाया था ना, ठीक है। अब देखना ये है, अब अपन जो चल रहे थे किस फॉर्म में चले गए थे अपन, देखो 1/2πi, ये अपना चल रहा था C1 वाला चल रहा है, ठीक है, वो f(j dj) और कितना है j - z, ये था, क्लियर। इस कॉस टू 1/2πi, इक्वेशन फर्स्ट थी ये, है ना, 2πi कितना हो गया C, और यहाँ पे कितना है, ठीक है, f(j dj j - कितना j0, क्लियर, प्लस z - j0 2πi, ठीक है, और c1 f(j
डी जई जय माइनस के जेड नोट और इसका स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखना ये है प्लस ये यहाँ पे आया था अपने पास क्या बोलिए, तो जेड माइनस के जे नोट एन माइनस वन अपॉन टू पाई आयोटा। ठीक है, और ये कितना हो गया सी वन एफ ओ जई और कितना आ गया जई माइनस जे नोट की पावर कितनी आ गई एन और डी जई। ठीक है ना, डी जई और प्लस इसको मैं आर एन बोल रहा था, समझ में आ रही है? वेहर आर एन, वेहर आर एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई आयोटा। ठीक है, कितना आ जाएगा सी वन, ये कितना आएगा जेड माइनस के जे नोट जाई माइनस कितना आ जाएगा जे नोट। ठीक है, अरे इसकी पावर कितनी है एन एफ ओ जाई जेड माइनस कितना सॉरी जे माइनस के जेड और कितना आ जाएगा डी जे। ये मैंने आपको बताया, ये था अपने पास आर एन। ठीक है, अब इसको सोल्व कर रहे थे तो आर एन ये लिखा अपन, क्लियर है ना मोड। तो कितना होगा लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू इसका एक एक का निकालेंगे तो पर्सनली इसका एक एक का पर्सनली करेंगे तो ये क्या होगा ज़्यादा होगा। तो आर एन लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया वन अपॉन टू पाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसका कितना हो गया, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, पहले तो ये सी वन कर दी, जेड माइनस कितना आ गया जेड नोट जे माइनस के जेड नोट, ये आ गया एन एफ ऑफ जे। ठीक है, जे माइनस के जेड ए मोड मोड और ये कितना आ गया डी जे। ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो, ये पूरा टू पाई आ गया तो वन अपॉन टू पाई। हाँ, आप अब लिख दूंगा मैं सब, ये कल लिख दिया था कि मैं के वे सारा दोबारा लिखूं। ठीक है, इसको मैंने इधर सोल्व किया था तो इसको वे लिख के आई थी। ठीक है, तो एक एक पर्सनली एक का कर दो पहले। ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो गया सी वन, इसका करेंगे तो कितना जेड माइनस के जेड नोट जे माइनस कितना आ गया जे नोट आ गया, इसकी पावर कितनी आ रही है एन और यहाँ पे कितना हुआ एफ ओ जाई और ये कितना हो गया जाई माइनस के जेन नोट सॉरी जेड। ठीक है, क्लियर हो गया, और डी जे ये मैंने सब कुछ बता दिया था क्या, ये इसको ओपन करना बता दिया था। ठीक है, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, ये इक्वेशन फर्स्ट दी थी ना इसको, है ना। अब देखो इसको पता है इसको क्या बोल रहे थे अपन, नीचे स्पेस है क्या इसमें, नहीं है, देखिए तो इसको ऐसे लिख रहे थे, देखो जाई माइनस के जेड इक्वल्स टू जाई माइनस के जे नोट माइनस जेड माइनस कितना आ गया जे नोट जेड। ठीक है, इसको मैंने क्या क्या बोला था, देखो यहाँ पे मैं इसे सी वन की बात कर रहा हूँ, ये कितना है सी वन, ये कितना है सी टू, यहाँ पे मेरा क्या था जाई। ठीक है, ये सी वन ये कितना है सी टू, अंदर वाला ये सी टू है, ये क्या है सी। ठीक है ना, अब इसको क्या बोल रखा है जी बोल रखा है, जी वाले एक आर है ना जी के ऊपर, और ये कितना है आर वन की है, तो ये वाला कितना हो गया जेड माइनस आर वन हो गया क्या ये आर वन। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख, अब इसको अलग अलग लिखूंगा ना ये तो इक्वल हो जाएंगी, तो लेस देन इक्वल टू कितना, अब देखो सुनो, अब लेस देन नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब कोलो एक एक का जे माइनस कितना आ गया जेड नोट माइनस कितना जेड माइनस कितना आ गया जेड नोट। अब इसका कितना आएगा बोलो इक्वल टू आर वन माइनस कितना स्मॉल आर, क्लियर है ना। ठीक है, और इसको क्या माना था मैं एफ ऑफ जाई को ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन मान लेता हूँ क्या, या एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ही मानूँ। ठीक है, चलो इसको मैं एप्सिलॉन वन मान लेता हूँ। ठीक है ना,
फिर वो आगे वाला करेंगे ना, अभी तो आगे वाला तो एप्सिलॉन वन हो गया ये, है ना। ठीक है, और ये हो गया, और अब देखो क्या आता है। देखो तो आर एन ये चल रहा है सब, ठीक है, तो लेस देन इक्वल्स टू, इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/2 पाई कितना हुआ ये सी वन, ये तो बाहर ले लेता हूँ मैं, के लिखा था नहीं है, के की पावर एन अपॉन 2 पाई, है ना, और ये वाला कितना आया था एप्सिलॉन वन इंटीग्रेशंस डी जाई, ठीक है, और अपॉन में ये कितना आएगा यहाँ लिखो आर वन माइनस के आर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। आर एन वे ग्रेटर देन आएगा, ठीक है ना, तो आर बराबर कितना हो गया, सॉरी ये तो आर बराबर हो जाएगा, सॉरी आर एन, आर एन बराबर कितना आया, तो के की पावर एन जाई एप्सिलॉन वन अपॉन कितना 2 पाई आर वन माइनस कितना हो गया आर, ये कितना हो गया 2 पाई आर वन, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखना ये है लिमिट, इस मोड में था ना ये पहले, है ना, ये मोड में था तो आर एन बराबर आ गया ही, क्लियर है ना। अब लिख दो कितना होगा इसका, आर एन मोड में है ये, ठीक है। अब लिखो लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो आर एन टेंस टू कितना हो गया 0, आगे बात समझ में, क्योंकि के एन की पावर कितनी है, एन टेंस टू कितना हो गया 0 इफ, ठीक है, ये आर एन इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया अपना, ठीक है। ये लो पूरा सोल ये वाला, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ तक आ गई, तो आर एन की इक्वेशन समीकरण एक से, अब समीकरण एक से देखिए, समीकरण एक से नीचे नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा, अब समीकरण ऊपर वाला रब कर दूँ, देखो समीकरण एक से 1/2 पाई आयोटा सी वन एफ ऑफ जाई डी जाई और जाई माइनस कितना जेड, इसमें देखना, हाँ क्या पुट कर दो, हाँ आर क्या, अब सुनो तो इसको तो बनाना है, इसको तो बनाना है, देखिए अब इसको मैं क्या लूँ, इसको ए वन ले लूँ, देखो किस किस को, इधर ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है ना 1/2 पाई अपना फॉर्म क्या था, वेयर ए ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ ऑफ जाई डी जे, ये वाला था ना, इसको तो अपन ए एन तो बोल रहे थे, आप क्या ये तो बोल रहे थे ना अपन ने ए एन, समझ में आ रही है, तो आप ये बताओ ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा। अब देखो इसमें जेड माइनस जेड नोट है, तो ये वाला कितना होगा, देखो अभी कल बताया था ना एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, सुनो सुनो एन की वैल्यू 0, यहाँ पे इसका कोई सिंबल है क्या, मतलब यहाँ पे एन बराबर कितना आएगा 0, तो ए नोट हो गया ये कितना हो जाएगा ए वन, ठीक है, तो मतलब आपके पास आएगा ए नोट प्लस कितना हो गया ये ए वन, यहाँ पे लिख लो आप ए वन लिख दो जेड माइनस कितना जे नोट प्लस ए टू जेड माइनस कितना आ जाएगा जे नोट का स्क्वायर, ठीक है, ये तो लिखाया था, और प्लस प्लस यहाँ पे आगे वाला कितना है एन माइनस वाला, तो इसको कितना जेड माइनस कितना जे नोट ए, यहाँ पे लिख दो पहले प्लस जेड माइनस, यहाँ पे लिखो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए एन माइनस वन, क्लियर है ना,
तो कितना हो जाएगा, जेड माइनस के जेड नॉट एन माइनस वन। यह तक क्लियर है क्या? ठीक है, और आगे वाला कितना है, जीरो। आगे वाला जीरो, आगे बात समझ में। आप देखो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अब सुनो कहाँ तक जा रहा है ये, एन माइनस वन तक जा रहा है। तो आप, आपको बताया था मैं कि जो ए एन माइनस वन है, जेड माइनस कितना है, जेड नोट, ठीक है, कितना आ गया एन माइनस वन, ये वाला। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि समीशन में, तो वन अपॉन टू पाई आयोटा सी वन एफ ऑफ जाई डी जाई, जाई माइनस कितना जेड इसक्वल्स टू समीशन एन इसक्वल्स टू जीरो टू इन्फाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो, ए एन जेड माइनस जे नोट की पावर है। देखो देखो सोल्व कैसे करेंगे, इधर देखो, मैं ए एन की वैल्यू आपको पता है, पिछले वाले टेलर थ्योरम से अपन ने प्रूव की थी कि ए एन क्या बता रहा था आपका, और ये वाला पार्ट तो आ ही रहा था, तो ए एन क्या बता रहा था, एफ एन जे नोट फैक्टोरियल कितनी ए एन, ये तो बता रहा था, और मतलब एफ ऑफ जेड इसक्वल्स टू क्या था, समीशन एन इसक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस के जे नोट की पावर एन, ये तो चल रही थी। अब देखो यहाँ पे देखना, मैं पे यहाँ पे ए एन करूँ, ए एन की जगह कितना रखूँ, जीरो रखूँ, इसको ओपन करूँगा ना, तो जीरो रखो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी टर्म जीरो, मतलब जीरो को मतलब वन हो जाएगी पूरी पूरी, तो ये तो वन हो गई। ठीक है, और यहाँ पे बताओ कितना है, जेड माइनस वन हो जाएगी अभी, तो यहाँ पे कितना है, एन की जगह कितना किया था मैंने, जीरो, तो कितना आया ये, ए नोट आया था, तो ए नोट आ गया ना, ये रहा आ गया क्या नोट। दूसरा चलो क्या लिखे, अब वन रखे तो वन रखो, तो देख लो आप यहाँ वन रखेंगे, जेड माइनस जेड नोट की पावर वन आ रही है क्या इसमें, देखो इसको वन रखेंगे तो आ रही तो है, वन रखा इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी, वन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसको अपन ऐसे सेपरेट कर देंगे, तो आपकी ये हो गई इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई टू, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये समझ में आ गई क्या आपके, आ गई समझ में पक्का? ठीक है, उतार लो इसको जल्दी से। यहाँ लिख लेना समीकरण एक से, एक से हम इक्वेशन फर्स्ट, अरे यहाँ लिख लेना ए एन, यहाँ लिखे ना वेहर, तो यहाँ लिख देना वेहर ए एन, ये तो आ ही जाएगा ये वाला है ना, फिर आप लिखना वेहर ए एन इजक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई आयोटा कितनी एफ ऑफ जाई डी जाई, ठीक है, और जे माइनस जे नोट की पावर एन प्लस वन। ठीक है, अब देख लो वो कि वही आएगी, देखो ए नोट रखा सुनना, जीरो रखो तो ये वाली टर्म आ रही है क्या, देखो इसको तो बोला था मैंने, है ना, इसको तो ए नोट बोल रहा हूँ ना मैं, देखो रखो रखा ए नोट वन अपॉन टू पाई आयोटा, समझ में आ रही है, ये कितना होगा एफ ऑफ जाई जे माइनस, यहाँ पे कितना आएगा जीरो, तो मतलब ये कि ये आ रही है क्या, आ गई, तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं ए नोट। ठीक है, देख लो आराम से, जीरो रख लो इसमें वन अपॉन टू पाई आयोटा, ठीक है, एफ ऑफ जाई डी जाई, ये कितना होगा जे माइनस के जे नोट, एन की वैल्यू कितनी होगी जीरो, वन आ गया, समझ में आ गई ना। तो ऐसे अब वन की जगह वन रखो तो वन में रखोगे तो चलता जाएगा, देखो वन रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टू हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे टू हो रहा है, देख लो टू हो गया ना, तो यहाँ पे लिखना वेहर ए एन इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर कौन सी लिखी मैंने, थर्ड। ठीक है, आगे बात समझ में।
ठीक, आगे चलो। अब देखना ये है, इसको के एन लिखा दिया था कि मैं इसको लिखा दिया था ना के एन पिछले सिलर क्लास में, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो सही है ना, मोड इज क्वेश्चन टू, यहाँ पे इक्वेश्चन टू था, अब ये पूरी सोल हो गई, मतलब यहाँ पे आ जाएगा फिर इसका, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लगाऊँ कि इक्वेश्चन टू, क्योंकि ये भी तो है कि इसको सोल्व करेंगे तो फिर बराबर में आ जाएगी, है क्या हुआ, हाँ इसको सोल्व करने के बाद। ठीक है बिठा दो, ये कौन सी भी बिठा दी, ये खत्म कर दिया अपन ने। इक्वेशन टू ध्यान रखना, समीकरण दो ध्यान रखना ना, देख आगे देखिए, देखो ये था मैं अपना, है ना, किसकी बात कर ली अपन ने, सी वन की बात हो गई। ये अपने पास कितना है, जेड नोट था, ठीक है, ऐसा है तो बनाया था आपको ऐसे, ये कौन सा हो गया यहाँ तक और ये लो, ठीक है, ये आर वन था, कितना ये आर वन, ये कितना है आर टू, ये कितना है आर, ठीक है, जेड में निकाल लिया था यहाँ, अब जय खान लूँगा मैं, अब कहाँ लेंगे अपन, यहाँ पर लेंगे, अरे ये वाला पार्ट कौन था, जेड, क्लियर ये है ना कि जेड लिख दिया मैंने ढंग से, ठीक है। अब देखो पेम में आपको लिखा है जय माइनस के जेड, क्या लिखवाया, जय माइनस के जेड, अब मैं आपको क्या लिखवाऊंगा, जेड माइनस के जय, क्यों, समझ में आ रही है ना, पहले तो कितना तैयार था, तो जय माइनस जेड ऑब्वियसली होना ही था, अब बड़ा कौन, अब ये वाला यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो है ना बड़ी, तो बड़े में से ये तो घटाएंगे छोटा, तो जेड माइनस जय, पहले कौन था बड़ा, पूरा रेडियस थी यहाँ तक के, अरे ये वाला यहाँ तक के था, तो इसमें से ये आप लेस कर दिया था, अब क्या करेंगे, ये पूरा है तो क्या लेस करेंगे, ये वाला लेस कर देंगे, तो इसका मतलब ये, अरे या इसको ऐसे बोल सकते हैं माइनस बा ले लो, जय माइनस के जेड हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से इसको बनाओ,
क्या लिख सकते हैं इसको, ये तो रहने दो, इसको मत देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस के जे नोट और जे माइनस कितना जे नोट, ये आएगी बात क्लियर। ठीक है, ऊपर क्या लिया अपने, जेड माइनस जे नोट कॉमन ले लूँ क्या? ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो, वन अपॉन जेड माइनस कितना जे नोट कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा बोलना, वन माइनस कितना जे माइनस जे नोट अपॉन जेड माइनस के जे नोट, यही रहेगा ना। अब इसका इन्वर्स हो गया, इन्वर्स कर दिया, यही का एक जगह है क्या इधर है, तो इसको इन्वर्स कर दो फिर, जेड माइनस के जे नोट और ये आ जाएगा वन माइनस जेड माइनस जे नोट और जे माइनस कितना जे नोट की पावर सॉरी माइनस वन। अब समझ में आ गई इसमें, क्लियर हो रहा है, कवर हो गया, इन्वर्स नहीं आ रहा, ये इन्वर्स पहले भी नहीं आ रहा था कल है ये। बस क्योंकि मैं यहाँ से तो खुद ही खड़ा रहता हूँ तो ये जगह तो फालतू ही जाती है अपनी। ठीक है, अब देख लो यहाँ तक ठीक है क्या, क्लियर। अब इसको देखो, अब वो वाला पार्ट लूँगा मैं, अब सुन लो ध्यान से, जेड माइनस जे नोट, जेड माइनस जे नोट, ठीक है, क्या करें बायनॉर्मल थम से तो करेंगे, मैंने उल्टा था। देखो इसको कैसे लिखा है मैंने, देखो ये मैं देख रहा हूँ जेड माइनस जे नोट क्यों लिखा ऊपर, यही तो गलतियाँ होती है ना, ये है ना सिंबल पूरा, तो इसको लिखो ना, तो कितना आएगा जे माइनस कितना आ जाएगा जे नोट और कितना आ जाएगा जेड माइनस के जे नोट। अब ठीक है, क्लियर है, अब देखना ये है, अब देखो जेड माइनस मोड ले दूँ, जेड माइनस सॉरी जे माइनस जे नोट अपॉन, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताओ पहले, तो छोड़ो किसकी, C2 की बात करूँ, ये कौन सा है C1, ये कौन सा हो गया C2, अरे ये वाला कितना है C, क्लियर है ना, तो C2 तो कितना आएगा बोलो, इसकी रेडियस जे माइनस जे नोट, ठीक है, ये हो गया, इसको टू कितना है R2, और कम किससे है R से कम हो गया ना, दूसरा कितना है अपने पास बोलो, जेड माइनस के जे नोट, ठीक है, समझ में आ रही है, इसको टू कितना करूँगा R, डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा, तो देखो जे माइनस कितना आ गया जे नोट, मोड कर दिया पूरे का, अब बताया कि डिवाइड कर रहे हैं तो कितना कर देंगे जेड माइनस के जे नोट, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आर टू अपोन आर लेस देन वन, क्लियर है, ये लो यहाँ तक क्लियर हो गई क्या। अब इसका क्या करेंगे, एक्सपेंडेड करेंगे, किस वाले का, इसका, ठीक है, देखते जाओ, तो इसको तो ओपन करो, देखो माइनस के यहाँ से ध्यान रखना ये वाला, तो जेड माइनस के कितना आ गया जेड इसको स्टो, बोलते जाओ इसको, वन अपॉन जेड माइनस कितना आ गया जे नोट, आगे वन प्लस जे माइनस जे नोट अपॉन जेड माइनस जे नोट, ठीक है, प्लस कितना आ गया जे माइनस कितना आ गया जे नोट, यहाँ तक क्लियर है, फिर जेड माइनस जे नोट का स्क्वायर प्लस जे माइनस जे नोट और जेड माइनस के जे नोट की पावर एन माइनस वन प्लस जे माइनस जे नोट जेड माइनस के जे नोट की पावर कितनी कर दूँ एन प्लस जे माइनस जे नोट और जेड माइनस के जे नोट प्लस ये एस वन, ठीक है। अब इसको इसमें से कॉमन लेना है, तो देखिए वन अपॉन जेड माइनस का कितना आ गया जे नोट, वन प्लस जे माइनस कितना आ गया जे नोट, जेड माइनस के जे नोट प्लस इस वाले टर्म का कितना होगा जे माइनस कितना आ गया जे नोट, जेड माइनस के जे नोट का स्क्वायर प्लस
जेड माइनस कितना जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन माइनस वन प्लस कॉमन क्या आ रहा है जेड माइनस कितना जेड नोट अपॉन जेड माइनस के जेड नोट की पावर एन कॉमन ले ली वन प्लस है ना कौन सा यहाँ पे ठीक है ना कॉमन ले ली आगे देखो तो क्या क्या बनेगा देखो जेड माइनस कितना जेड नोट जेड माइनस के जेड नोट ठीक है ये लो क्लियर है क्या ठीक है ये पूरा बटा है तो इसको क्या करूँ मैं किस में लूँ ऐसे बटा में ले लेना सॉरी ठीक है क्लियर है ना कल अब फिर अपन ने किस में लिए थे इसको कॉमन आए तब टेलर में भी तो कॉमन आए थे कौन से ब्रैकेट में लिए थे इसको दोनों को ही है ना देखो ठीक है ये कब समझ में आ गई ना क्लियर अब देखो इसको सोल्व करेंगे ऐसे ही था अब इसको सोल्व करेंगे अब देखना ये है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर क्या करूँ ये एन बार कॉमन अभी इनवर्स में कहाँ आएगा इनवर्स में तो अब बनेगा देखो वन अपॉन जेड माइनस कितना आ गया जेड नोट कितना आया वन प्लस क्लियर इसका कितना जेड ई माइनस के जेड नोट अपॉन जेड माइनस के जेड नोट प्लस जेड माइनस कितना आ गया ये जे नोट का स्क्वायर जेड माइनस कितना जे नोट क्लियर और ये एन माइनस वन प्लस इसकी टर्म कितनी हो गई सॉरी ठीक है और ये आ गया जे माइनस के जे नोट और जेड माइनस के जे नोट ए क्या आपकी क्लास के ठीक है इसमें देखो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो किसकी पावर लग जाएगी बोलो वन माइनस जाई माइनस के जे नोट और जेड माइनस के जे नोट ठीक है और इसकी पावर कितनी लग जाएगी इनवर्स में होल में रखनी पड़ेगी ऐसे करो इसको मैंने शायद बड़े में लिया होगा दोनों को ये बड़ा ठीक है ये इनवर्स में आ गया क्लियर अब इसको सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट सोल्व करो इसको टू वन अपॉन जेड माइनस के जेड नोट आ गया कितना आया वन प्लस कितना हुआ जे माइनस कितना जे नोट जेड प्लस के जे नोट प्लस जे माइनस जे नोट अपॉन जेड माइनस के जे नोट का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हुआ जे माइनस जे नोट और जेड माइनस के जे नोट एन माइनस वन प्लस जे माइनस जे नोट और जेड माइनस के जे नोट की पावर एन इसको सोल्व किया तो कितना आया देखो ऊपर जाएगा तो जेड माइनस जे और जेड माइनस के जे हो रहा होगा ऊपर तो जेड माइनस जे नोट ऊपर और वो नीचे आ जाएगा ठीक है तो डायरेक्ट कर दिया अपन ने और ये वाली वैल्यू कितनी जेड माइनस के जे है ना क्लियर अब इसको अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ये वैल्यूज आ गई सब में अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो सुन सीधी सी बात है जेड माइनस जे नोट आएगा क्या हुआ आगे नहीं आएगी क्या उतालो फिर जल्दी से फुर्ती से अब करना काम है अब है इसको सोल्व करना तो कोई टर्म तो छूट नहीं गई देख लेना एक बार
बेटा तू उतार लियो तो बोल दो बस, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। ये इक्वल किसके चल रहा है देखो, ये ऐसे चल रहा है ना जेड माइनस के जे। अब देखना ऊपर, इसको मिटा देता हूँ। अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, वन अपॉन जेड माइनस जेन नोट प्लस कितना जे आई माइनस के जे नोट इसका स्क्वायर, तो प्लस कर रहा हूँ इसमें जेड माइनस जे नोट का स्क्वायर प्लस आगे वाला टर्म जे आई माइनस जे नोट का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया जेड माइनस जे नोट का क्यूब, ठीक है। प्लस यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, जे आई माइनस जे नोट की पावर कितनी आ गई एन माइनस वन, नीचे क्या मिलेगा आपको जेड माइनस के कितना जे नोट की पावर कितनी आ जाएगी एन, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से ये तो कट जाएगा, ठीक है ना, तो अपने पास क्या रहेगा फिर जे आई माइनस जे नोट अपॉन जेड माइनस जे नोट की पावर एन वन अपॉन जेड माइनस जे, ये रहेगी ना। अब देखना बात ये है, अब सुनो मैं दोनों क्या करूँगा, अब इंटीग्रल फॉर्मूले से करूँगा, तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फ्रॉम इंटीग्रल फॉर्मूला, अब फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे, तो अब एक बार बताइए मुझे, मैं करूँगा एफ ऑफ जे डी जे अपॉन जेड सुनना अपॉन जे माइनस कितना जे नोट, ये वाला करूँगा, तो आप बताइए कि नीचे क्या आ रहा है मेरे पास जे नोट आ रहा है, तो कॉमन मतलब आप बताइए वेरिएबल कहाँ रहेगा फिर, तो वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा मुझे नीचे लाना पड़ेगा, मतलब इस वाले पोर्शन को क्या करना पड़ेगा मुझे नीचे लाना होगा, ठीक है, इसको ऊपर करना होगा, यही होगी ना बात। देखिए सुनो, मैं आपको बताई ये क्या था सी टू वन अपॉन टू पाई आयोटा है ना एफ ऑफ जे डी जे, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे जे माइनस कितना चाहिए जे नोट, यही होगा, ठीक है ना, यही होना ना, ये इसको तो कहेंगे ना अपन। देखो अब इसका मीन क्या होगा फिर, इसका मीन ये होगा, तो इसके नीचे क्या आएगा वेरिएबल आएगा, ये फंक्शन बनाना होगा अपन को, क्योंकि एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये तो था भाई, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये सी वन ऐसी पार्ट में यहाँ पे सी वन था, फिर माइनस वन अपॉन टू पाई ये वाला पार्ट था, तो वो वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया अपने वाला इधर वाला तो, और ये वाला सी टू वाला बच रहा है, और सी टू में ये तो था स्टार्टिंग, या देखिए उसमें जब मैं स्टार्ट करवाया था तो ये था, देखो एफ ऑफ जेड इक्वल टू सी वन यानी वन अपॉन टू पाई आयोटा एफ ऑफ जे डी जे और कितना है जे माइनस के जे नोट, ये माइनस किया फिर कितना है वन अपॉन टू पाई आयोटा, ठीक है ना, और एफ ऑफ जे डी जे और कितना जे माइनस के जे नोट, ये वाला पार्ट था। अब मुझे क्या बनाना है, ये सी वन है कितना है सी टू, तो ये वाला तो पार्ट प्रूफ हो ही गया ना आपका, हो गया कि वाला प्रूफ, अरे करा दी ना ट्रेलर फिल्म से सी वन का, अब क्या चाहिए मुझे सी टू वाला चाहिए, और सी टू वाले में नीचे क्या आया जे माइनस के जे नोट आना चाहिए, और अपने क्या है जेड माइनस जे नोट, तो क्या करना होगा इसका इनवर्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इनवर्स है ना, उलट देंगे वैसे फोकस कर देंगे, ठीक है, तो ये वाला तो ऊपर ये वाला नीचे, ठीक है, साथ के साथ में इंटीग्रेशन भी करता जा रहा हूँ इंटीग्रल फॉर्मूले। अब देखो जेड माइनस जे था, सुनो जेड माइनस जे था बराबर कितना क्या था माइनस क्या था ना, ये इसके बराबर ही तो है ये,
माइनस के जय माइनस के कितना जेड, ये ऐसे ही तो है, तो इसको बाहर ले लेता हूँ कितना आया ना ये, तो माइनस के टू पाई आयोटा, माइनस के टू पाई आयोटा, समझ में आ गई। इसका कितना हो गया एफ ओ जई डी जई, और नीचे कितना आएगा लिखूं बोलो, नीचे सी टू तो था चल रहा था, और नीचे कितना आ जाएगा जय माइनस कितना जेड, इस टर्म में चल रहा था ये, सॉरी जेड नहीं था जेड था जेड। अब आ समझ भाई, किसका यहाँ पे ये वाला, हाँ ये वाला, तो इसका मीन दोनों का ये मीन एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो तो सही, आप जय माइनस जेड है, ठीक है आप सही कह रहे हो जेड माइनस जेड, कोई बात नहीं, बंद फिर ये क्या है इधर माइनस है ना, क्या ये माइनस, फिर वापस मेरे को क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा भाई, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस जेड माइनस जे कर दूँ, कर दिया फिर माइनस कर दूँ तो ये माइनस का चिन्ह तो आ रहा है, फिर दोनों को जोड़ दूंगा मैं, इसको सोल्व करने के बाद फिर इक्वेशन आप जो सेकेंड है और जो इक्वेशन जब निकल के आएगी ना उसको जोड़ दूंगा, जोड़ने पर ये प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ बराबर वो प्रूफ, तो ये दोनों किसके बराबर है एफ ऑफ जेड के बराबर है, ये आई बात समझ में, ये दोनों किसके बराबर है एफ ऑफ जेड के बराबर है, यहाँ तक क्लियर आ गई क्या, ठीक है। अब देखो ये वाले पोल सही हो गया आपका, ठीक है आगे देखो इसको क्या लिखूँ, इस वाले क्या लिखेंगे हम, इनवर्स में जाएगा जेड माइनस के जेड नोट माइनस वन, ठीक है। अब बताओ इसका कितना रह होगा, इंटीग्रेशन कितना हो गया सी वन, ठीक है अभी कितना आ जाएगा एफ ऑफ जेई, देखते जाओ इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं सी टू, सी टू भाई मेरे पास ये है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया क्या है, हाँ वन अपॉन टू पाई आ जाएगा ना, टू पाई आयोटा आ जाएगा, ठीक है। सबके पास ये है एफ ऑफ जेई डी जेई से इन सबको देखो मल्टीप्लाई किया है, देखो यहाँ पे सब फॉर्मूला है, अभी इसकी वैल्यू है कर किस से रहे हैं अपन, सुनना कर किस से रहे मल्टीप्लाई, ये ध्यान देना सुनो, कर किस से रहे अपन मल्टीप्लाई, वन अपॉन जय माइनस जेड, जय माइनस जेड वाले फंक्शन को, पूरा ये फंक्शन है इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, वन अपॉन टू पाई आयोटा से, और किससे एफ ऑफ जय डी जय से, इससे कर रहा हूँ ना, ठीक है ना, फिर ये तो सबके इससे इनसे सबको मल्टीप्लाई करता चल रहा हूँ, ये करता चल रहा हूँ ना, और तो कुछ है ही नहीं ना, ठीक है ना, तो ये जेड माइनस जेड नोट इनवर्स में चल गया तो ये आ गया डी जे, बस आगे चलो प्लस आगे वाला बोलना, तो यहाँ पे देखो अब तो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये वाला कितना बोलो जेड माइनस के जेड नोट माइनस के टू, और यहाँ पे आ जाएगा टू पाई आयोटा, ठीक है कितना लिखूँ एफ ओ जई डी जई, और ये वाला ऊपर जई माइनस कितना जई माइनस जे नोट ही तो है ऊपर माइनस वन कर देता हूँ, ये लो माइनस वन, ठीक है नीचे आ गया ना इसको ये माइनस वन, क्लियर, इस वाले को मिटा दूँ नीचे, आई बात समझ में, यहाँ तक आ गई, ठीक है ठीक है। फिर प्लस आगे वाला बताना जेड माइनस के जेड नोट का माइनस का क्यूब अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी टू एफ ऑफ जेई डी जेई, नीचे कितना आएगा जेई माइनस जेड नोट की पावर माइनस के टू, ठीक है डॉट 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 प्लस आगे वाला बताओ
जेड माइनस के जेड नोट की पावर माइनस है, ठीक है, अपॉन टू पाई आई बेटा इंटीग्रेशन कितनी आएगी, सी टू चल ही रहा है, ठीक है, सी टू है ही, और एफ ऑफ जई डी जई नीचे कितना आएगा, अब बोलना, बोलो इसका कितना आया, जई माइनस जे नोट एन माइनस का एन माइनस एन प्लस वन, आगे बात समझ में, और प्लस कितना कर दूं एस एन, उसको आर लिखे आर एस आर एस, अब इसको एस बोल दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने अभी सुनो आर टू अपन आर किया था क्या, आर टू अपन आर किया था ना, किया था बस, तो फिर वो मतलब ऊपर लिखा था मैंने जय माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ये लिखा था, ठीक है, ये मिटा दो, अब देखो एस एन कहाँ किया मैंने, एस एन को मिटा दिया, यहाँ दिख रहा है क्या आप ये बताओ, फिर यहाँ पे लिख दो एस एन, वेहर वेहर एस एन इज लगाओ वन अपॉन टू पाई आयोटा, ठीक है, इंटीग्रेशंस एफ ऑफ जाई, सॉरी पहले ये लिखो कितना आया था ऊपर वो वाला पार्ट, जाई माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, ठीक है, एफ ऑफ जाई डी जाई और जेड माइनस जाई, क्लियर है, समझ में आ गई, ये लो अब कितना कर देंगे एस एन मोड, एस एन का मोड कर दिया, ठीक है, ये लगा दिया, कितना हो जाएगा वन अपॉन टू पाई आयोटा, इंटीग्रेशन कितना सी टू पे चल रहा था, ये इसका कितना हो गया, हम इसका बाद में करेंगे, जाई माइनस कितना जेड नोट अपॉन जेड माइनस के जेड नोट की पावर एन, एफ ऑफ जाई डी जाई नीचे जेड माइनस के जाई, ये मोड किया, लेस देन इक्वल्स टू, देखो मोड ऑफ एस एन, सॉरी इसको छोड़ो बाद में करेंगे, है ना, एस एन आ गया, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या फिर इसका भी है, हाँ तो ये लिख दिया ना इसके बराबर, अब ये आ जाएगा, ठीक है, तो वन अपॉन टू पाई आ गया इसका, तो इसका बताओ, अब ये इसमें सबका ले लेता हूँ अलग अलग का, है ना, तो सी टू मोड ऑफ जे माइनस जे नोट और जेड माइनस के जे नोट का मोड की पावर एन, और एफ ऑफ जई, ठीक है, वो नीचे जेड माइनस के जई डी जई का भी मोड, ये डायरेक्ट लिख दूंगा फिर, ये वाला मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, बार बार करने की आवश्यकता है, टू पाई आर टू लिख दूंगा, है ना, अब बताओ, अब इसमें देखना, इसको देखो आप समझो, लेट माना एफ ऑफ मोड ऑफ जई, तो इसकी वैल्यू कितनी ले लिया मैं, एप्सिलॉन टू कितनी लूँ, एम टू लूँ एप्सिलॉन टू लूँ, एप्सिलॉन टू है ना, और इसकी इसकी भी बात, इसकी बोलो कितनी लूँ, के टू ले लूँ क्या, के वन उसको के रख लिया ना मैं, सिर्फ के ही रखा है, अब के टू इसका के वन कर लेना, ठीक है, और इसकी वैसे भी वो करोगे ना, कौन सा आर टू अपोन आर करोगे, आर टू अपोन आर लिख लो, वो किसके बराबर है, वन के बराबर ही है, ठीक है ना, ठीक, तो ये वाली वैल्यूज कितनी होगी, जाए माइनस कितना जे नोट अपोन कितना जेड माइनस के जे नोट, ठीक है, ठीक है, इसको इसको क्या रखा मैंने, के वन कितना रखा, के वन, ये ऐसे कर दो क्या, क्लियर है ना, एप्सिलॉन किसको, इसको उसको कितना, एप्सिलॉन वन कर दिया था उसको, देखो हाँ,
पीछे घुमा के देखो पेज को, एप्सिलॉन वन कर दिया, वो टेलर का याद आ रहा होगा आपको। जीरो किया था ना आपने, वहां पे देखो नहीं समझ में। आपने लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं ना ये एप्सिलॉन जेड का लिखा। यहाँ पे नहीं लिखा ना आपने, डी जाएगा वहाँ पे, एफ ऑफ जाएगा, देखो यहाँ पे ये निकला था ना, हाँ इसका लिखो जय वन किराया था मैंने, एप्सिलॉन वन, ठीक है ना, एप्सिलॉन टू ये हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया, के वन, के वन लेस देन कितना आ जाएगा, वन, ठीक है। अब देखो ये वैल्यूज निकाल लिया अपन ने, और कुछ अब मेन चीज है, अब इसको मिटा दूँ क्या ऊपर वाले को, ये इक्वेशन नंबर आप ऐसा कर लेना, कौन सी देखो इसको, टू थ्री, ये थ्री है, ठीक है। यहाँ पे कवर हो जाएगा कि नीचे रखने से, ठीक है, नहीं होगा, फिर ऊपर वाले इसको रब करना पड़ेगा, उतार लो जल्दी उतारो, एक एक चीज को ध्यान से उतारो, देखो ये मतलब ही क्या रहेगा भाई आपको, कर दूं। तीसरे को तो रहने थे, अभी काम आएगी ना, फिर इसको लिख के डायरेक्ट कर दूंगा नीचे, है ना। देखो इसको देखा ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, जेड माइनस के ये बराबर में ही है अभी तो, जे नोट है ना, माइनस जे माइनस के जे नोट, ठीक है। ये लो, अब ये नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जेड माइनस के जे नोट कितना करूँ यहाँ पे, माइनस कितना हो गया, जेड माइनस के जे नोट, ये वैल्यूज आ गई। अब इसकी वैल्यूज कितनी आएगी बोलो, तो जेड माइनस के जई इसको टू, इसकी वैल्यू कितनी है, जेड माइनस के कितनी है, आर, तो आर माइनस कितना आ गया, आर टू आ गया क्या, ठीक है, ये आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, अब इसमें लगाओ कितना मिलेगा, इसमें यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे अब, ठीक है, सोल्व करें, मिटाने पड़ेगा क्या थर्ड को, है देखना आप, देखो एस एन इक्वल्स टू, ये तो इक्वल्स टू कर दिया मैंने डायरेक्ट, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। इसके देखो बाद में कर लेना, एस एन, एस एन इक्वल्स टू कर लो, अभी लिमिट बाद में लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको क्या लिखा था मैंने, एप्सिलॉन बाई टू इस वाले को, तो क्या क्या भार आया वो देखो, के के
के वन की पावर कितनी है एन टू पाई आई, टू पाई आ गया ठीक है। और सी टू इंटीग्रेशन, सॉरी बात करेंगे इंटीग्रेशन, इस वाले की वैल्यू कितनी आई एप्सिलॉन टू, नीचे कितना आ रहा है आर माइनस के आर टू, और टू कितना हो गया टू पाई आर वन कर दूँ कि आर टू ठीक है, इसका भी कर दिया साथ में ठीक है ना, साइड में कर लेना इधर नहीं पता हो तो डी जे इक्वल्स टू कितना होगा टू पाई आर टू, क्लियर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये इससे कैंसिल, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल्स टू कितना हो गया जीरो, और यहाँ पे ये इफ के वन की पावर एन टू कितना हो गया जीरो ठीक है। तो एस एन की वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो मिल गई। यहाँ तक समझ में आ गई क्या लिमिट। अब समीकरण एक से, समीकरण एक से ये मिटा दूँ क्या, एस एन जीरो आ गया ना, अब लिख लेना एस एन इक्वल्स टू जीरो समीकरण एक से। समीकरण तीन से, सॉरी तीन से देखिए क्या था, इधर माइनस के वन अपॉन टू पाई आई ओटा सी टू एफ ऑफ जेई जे माइनस के जेड और डी जे, ये तो था हाँ जी यही था ना इक्वल्स टू। अब उसको मैं कैसे लिखूंगा ध्यान देना, उसको मैं डायरेक्ट बी वन करूँगा, कितना करूँगा मैं बी वन, समझ में आ गई बी वन क्यों किया पता लग गया क्या है ना, बी वन आ गया बी वन जेड माइनस के जेड नोट माइनस वन, क्लियर है ठीक है। प्लस बी टू बोलो जेड माइनस के जेड नोट माइनस टू ठीक है ना, और कितना आ गया बी थ्री जेड माइनस के जे नोट माइनस के थ्री डॉट डॉट डॉट, प्लस यहाँ पे कितना आएगा बोलना देखे ऊपर कितना आया था माइनस एन आया था ऊपर, देखो थे इक्वेशन थर्ड से माइनस एन ही आया था कि जेड माइनस के जे नोट माइनस एन है ना, कौन सा ऊपर वाला माइनस एन आया होगा, इन्वर्स किया हो ना इक्वेशन थर्ड को, इसकी बात कर रहा हूँ मैं ना कि इन वालों की, इसकी देख माइनस के थ्री, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस एन तो आएगा ना, डॉट डॉट चल रहा है ये बी एन कितना यहाँ पे लिखूँ, अब कितना आएगा ये बी एन, ये मिल गया क्या, प्लस के कितना कर दूंगा मैं जीरो, तो वे हर बी एन इस वस्तु मैंने आपको बताया था वन अपॉन टू पाई आई ओटा कितना सी टू एफ ओ जेई डी जेई जेई माइनस कितना किया था जे नोट की पावर माइनस एन प्लस वन, ये तो थी लगा के देख लो आप जीरो वन लगाओ तो बी वन देख मिला ना, मैच करना इससे ना, बी वन आ रहा है वन अपॉन टू पाई आई ओटा ठीक है, एफ ऑफ जेड डी जे जेड ऑफ जे माइनस के जे नोट, अब यहाँ पे वन करूँगा तो कितना हो गया जीरो, तो इसकी तो वैल्यू वन हो गई, तो आया क्या वन अपॉन टू पाई एफ ऑफ जेड डी जे एफ सी टू, ये आ गया क्या, और बाहर इसके ये लग ही रहा है ये वाला क्या इक्वल्स टू है ना बी एन इक्वल्स टू, बी एन की बात कर रहा हूँ देखो बी वन बी टू बी थ्री डॉट डॉट कहाँ तक हो गया बी एन तक, तो बी एन की वैल्यू ये लिख सकते हैं ना अपने, क्लियर हो गई बात क्लियर। अब क्यों भी लगा के देख लो यहाँ पे देखो बी वन बी टू लगाओ यहाँ पे, चलो बी टू किया बी टू किया तो ये तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखना माइनस के टू प्लस वन, देखो देखो आ रहा है क्या वन आएगा ना नीचे ठीक है ना, देख लो एक बार देखो वन आ रहा है कि माइनस वन है ना, पावर माइनस वन आ रहा होगा यहाँ
यहाँ पे आ रहा है, ठीक। अब देखो, अब इसको सब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू माइनस के वन अपॉन टू पाई आयोटा एफ ऑफ जई डी जई डी जई अपॉन कितना जई माइनस के जेड, ठीक है। ये कवर हो रहा है क्या, देखो इसमें हो रहा है। अब इसको मैं लिखा देता हूँ समीशन एन बराबर वन टू कितना इनफाइनाइट, ठीक है। कितना लिख दिया बी एन जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन, ठीक है। अब देख लो, लगाओगे तो वो का वो मिलेगा, वन लगाओ बी वन आ रहा है, टू लगाओ ये आ रहा है, थ्री लगाओ आ रहा है, सब आ रहा है, ठीक। ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, थर्ड कर दी थी ना, ये फोर्थ। अब ऐसे करना, समीकरण लिखो पर, समीकरण दो व चार को जोड़ने पर, ठीक है। मिटा दूं ऊपर वाला एस एन का, इक्वेशन सम ऑफ इक्वेशन इंग्लिश में लिखोगे क्या, हिंदी में तो लिखो समीकरण, समीकरण दो व चार को, ये चार है ना, ये चार को जोड़ने पर। अब आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी टू कौन सी थी वो देख लो, है ना। अब इक्वेशन टू थी वो देखो, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर वाला पार्ट कौन सा था, इधर वाला ये आएगा वन अपॉन टू पाई आयोटा, ये सी टू की बारी चल रही है, ये सी टू वाली है ना, ये इधर आएगा सी वन एफ ओ जाई डी जाई नीचे जाई माइनस कितना जेड, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, वन अपॉन कितना आ गया टू पाई आयोटा।